हेलो गाइस, तो बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि उनके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। भाई आज की डेट में आजकल मतलब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे चीज़ें हैं। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर यही चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी जो है वो अपना 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर सकते हो। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, गाइस दूसरे किसी प्लेटफॉर्म को टारगेट करो। टारगेट करना है आपको इंस्टाग्राम को, फेसबुक को या फिर टिकटॉक को। बहुत मतलब आजकल बच्चे पैदा बाद में होते हैं और इंस्टाग्राम टिकटॉक पे आईडीज उनकी पहले बन जाती हैं। तो गाइस टिकटॉक पे बिल्कुल बनाओ वहाँ पे, ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस। और भाई वीडियोस वहाँ पे वायरल करना कितना मतलब इतना मुश्किल नहीं है टिकटॉक के ऊपर, अगर आपको वहाँ पे फैन फॉलोइंग बनानी है। हैशटैग्स यूज करो, लोगों के साथ ड्यूट करो। छोटी सी 15 सेकंड की वीडियो नहीं है और 2-4 वीडियो भी चल गई तो आपके अच्छे खासे फैन हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छा फैन बेस बना लोगे, उनको ट्रांसफर करो यूट्यूब के ऊपर, जब वो लोग तुम्हें जानने लगेंगे, चाहने लगेंगे, उनको बोलो कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां से आप बहुत आसानी से 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हो। गाइज आपको वहां पे क्या सर्च करना है, कुछ नहीं करना, आपको हैशटैग सर्च करने। आज की डेट में हैशटैग बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, ठीक है। तो हमेशा फेसबुक पे जाओगे, हैशटैग लगा के कुकिंग, मान लो आपका कुकिंग चैनल है, एंटरटेनमेंट का है, फनी वाइंस, फनी वीडियोस, ऐसे हैशटैग लगा के हैशटैग। इंस्टाग्राम पे जाना, हैशटैग फनी वीडियोस, कितने वीडियोस आ जाएंगे। और जिन आईडीज पे वो वीडियोस डले होंगे वहां पे जितने ऑडियंस होंगे वो सारे के सारे फनी वीडियोस के ऑडियंस होंगे। सेम गेम्स के, तो जो उन गेम्स वाली पोस्ट्स के ऊपर आपको लोग मिलेंगे वो भी आपके गेम में इंटरेस्ट रखने वाले होंगे। उसी तरह म्यूजिक के, उसी तरह कुकिंग के, हर कैटेगरी के आप हैशटैग लगा के अगर सर्च करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या टिकटॉक के ऊपर, आपको उस कैटेगरी में इंटरेस्ट रखने वाले पोस्ट मिल जाएंगे और उसके ऊपर वही ऑडियंस जो उन कैटेगरीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ नहीं है, सर्च में जाना है, हैशटैग लिख दो, कुछ भी सर्च करोगे ना वहाँ पे आपको एक्टिव सब्सक्राइबर मिलेंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पे आपको फॉलोज मिलेंगे या फैंस मिलेंगे या टिकटॉक के ऊपर मिलेंगे, वो अगर मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, अगर वो यूट्यूब यूज़ नहीं करते होंगे, बेशक वो क्रिएटर नहीं होंगे लेकिन एप्लीकेशन ज़रूर खोलते होंगे यूट्यूब की वीडियोज़ देखने के लिए। तो जो बंदा कुकिंग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है तो क्या आपको लगता है कि वो यूट्यूब पे नहीं देखता होगा, वो इंटरेस्टेड होगा। तुम थोड़ा इंटरेक्ट तो करो उनसे, बातचीत तो करो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करो उनको, इंस्टाग्राम पे फैन बनाओ। जो टिकटॉक पे कुकिंग देख रहा है या व्लॉग्स देख रहा है, क्या वो यूट्यूब पे नहीं देखता होगा? जो फनी वीडियोस टिकटॉक पे देख रहा है वो यूट्यूब पे नहीं देखता होगा? ऑब्वियसली यार देखता होगा, मतलब 99 लोग 100 में से यूट्यूब चलाते हैं, जो टिकटॉक चला रहे हैं, जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इन 2-3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छे टारगेट मतलब लोग अपने तरफ खींच लिए, फैंस बना लिए, तो आप उनको आराम से यूट्यूब पे ले जा सकते हो कि भाई एक पोस्ट डालनी है, भैया मेरे इस नाम से चैनल है और जिसको मेरी वीडियोस यहाँ पे पसंद आती हैं, मेरी पोस्ट यहाँ पे पसंद आती है, वो सब मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 100 में से 10 लोगों ने भी किया, 50 लोगों ने भी किया, तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए। इस चीज़ को भाई, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है इस टाइम, अगर यूट्यूब पे नहीं हो पा रहा है दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस बनाओ। अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप 2000 फॉलोअर्स बना लेते हो तो उनमें से 1000 लोग ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे आ जाएंगे क्योंकि वो तुम्हें चाहते होंगे। और जितने लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, मान ही नहीं सकता मैं कि वो यूट्यूब नहीं यूज़ करते होंगे। बेशक वो क्रिएटर नहीं होंगे लेकिन वीडियोज़ देखने वो यूट्यूब पे ज़रूर आते होंगे, वहाँ से आपको एक्टिव सब्सक्राइबर ज़रूर मिलेंगे, इसको करके देखना। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।